नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। आदित्य कोठारी ने बताया कि पीएम मोदी के आह्वान पर हर बूथ पर पिछले मतदान की अपेक्षा इस बार पार्टी के पक्ष में 10% अधिक मत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चुनावी तैयारी को देखते हुए विपक्ष घबरा गया है। विपक्ष के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। निश्चित रूप से यह जो भी चुनाव अभी तक संपन्न हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ यहां की जनता ने दिया है। और जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हमारे चाहे वो जिला स्तर का ही नेता क्यों नहीं हो, सभी में, और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, मातृशक्ति के कार्यक्रम हुए हैं, हमने लखपति दीदी के सम्मेलन किए हैं, स्वयं सहायता समूह के भी सम्मेलन किए हैं, अपार जन समूह जो उन कार्यक्रमों में जुड़ा है, निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और पिछली बार जो मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है उससे भी कहीं अधिक मत जो है भारतीय जनता पार्टी के समय मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमारे विरोधी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी। सर, उत्तराखंड में यूसीसी, निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हम इस बात के लिए गौरव करते हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य है हिंदुस्तान का जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ होने जा रहा है। उत्तराखंड की विधानसभा ने, विधानमंडल ने इसको पारित किया है। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी इसको हस्ताक्षर करके यथाशीघ्र मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत देहरादून के रायपुर में 4 होटल मालिकों पर अवैध रूप से लोगों को शराब परोसने को लेकर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। सीओ रायपुर अभिनय चौधरी ने बताया कि कई होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि वो अवैध रूप से मादक पदार्थ और शराब का सेवन करवा रहे। इसी पर छापेमारी करके ये कार्रवाई की गई। जैसे कि ड्रग फ्री देवभूमि मिशन चल रहा है उत्तराखंड का 2025 को लेके, तो उसके अंतर्गत काफ़ी जो ढाबा चालक हैं और जो होटल के रेस्टोरेंट वाले हैं उनके खिलाफ शिकायतें मिलती रहती थी कि कुछ लोग अवैध रूप से और मादक पदार्थों का और शराब का वहाँ सेवन करवाते हैं। तो इसी में थाना रायपुर क्षेत्र में अलग अलग टीमें गठित की गई और सभी टीमों से सारे होटलों पर छापेमारी की गई। उस छापेमारी में 4 होटल मालिक, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी की गई। और जहां जो है लोग शराब पी रहे थे उनके खिलाफ भी। लोकसभा चुनाव की पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू कर दी। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी ने 3-3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद गणेश गोदियाल और ज्योत सिंह गुनसोला प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी शहीदों का सम्मान नहीं करती, वो सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। आपको जब घोषणा आपकी हुई उम्मीदवार के रूप में, तो आप शहीद स्थल पर, शहीद स्मारक पर सबसे पहले आए, लेकिन भाजपा की तरफ से भी घोषणा के बाद कोई भी शहीद स्मारक पर नहीं आए, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? किस रूप में? दोबारा प्रश्न करेंगे आप? सर, जब उम्मीदवार की घोषणा हुई तो आप शहीद स्मारक पर आकर सबसे पहले अपने चुनाव की शुरुआत आप यहां से कर रहे हैं। उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल क्षेत्र है, लेकिन लगातार भाजपा कहती वो सेनाओं का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी भाजपा के प्रत्याशी ने अभी तक यहां पर शहीद। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये संस्कारों की बात है। हम अपने घरों में कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने पितरों का पहले आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे लिए तो ये पूरे उत्तराखंड के पितर हैं जो यहाँ पर, जिनको हमने थरपा है, जिनको स्थापित किया है। ये जो दिवंगत आत्माएं हैं ये हमारे तमाम उत्तराखंड के राज्य की नींव के पितर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इनकी याद कहाँ से आएगी? इनको तो उनकी याद आएगी जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में कुछ थोड़ी है, अपने आप में तो मोह रहे हैं सब, चुनाव किसी के चेहरे पर लड़ रहे हैं। तो इसलिए हम संस्कारवान लोग हैं, हमें पता है कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें पितरों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हम सब लोग, गुनसोला जी हैं, मैं हूं, प्रदीप टमटा जी अपने लोकसभा क्षेत्र में हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी चूंकि साथ हैं तो अध्यक्ष जी के माध्यम से हम सब लोग, हम इन हमारे
राज्य की स्थापना करने वाले पितृ देवों को नमन करने आए हैं कि हमें आशीर्वाद दें और हम इनके सपनों का उत्तराखंड बना सकें। स्मारक पहुंचे किस रूप में देखते हैं और चुनाव की शुरुआत भी यहां से करने वाले हैं, आप दिल्ली से यहां आकर के चुनाव प्रचार की शुरुआत? सबसे पहले हम उत्तराखंड के उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करते हैं और नमन करते हुए उन तमाम आंदोलन से जुड़ी हुई शक्तियों को भी नमन करते हैं जिनकी वजह से ये राज्य उत्तराखंड राज्य प्राप्त किया गया और आज हम अपना नमन करते हुए ये संकल्प यहाँ से लेते हैं कि उत्तराखंड के शहीदों ने जो सपने संजोए थे उन सपनों को कैसे साकार किया जाए उसकी नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन शहीदों के सम्मान को बरकरार रखें और उनकी आत्माएं यही बार बार कहती हैं कि अभी कुछ सरोकार बाकी है। उन सरोकारों के लिए, क्योंकि सरकारें ऐसी बैठ गई हैं, डबल इंजन का सरकार तो ये हो गया कि एक इंजन दिल्ली में फेल होता है, दूसरा इंजन जो है राज्य में फेल हो जाता है। और यहां पर अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पोखरी के 40 से अधिक ग्राम पंचायतों की जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा धोती धार मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर दिया जा रहा धरना आज 40वें दिन समाप्त हो गया। राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट के आश्वासन पर आंदोलनकारियों ने धरना समाप्त कर दिया। सड़क बनने की घोषणा के बाद संघर्ष समिति अध्यक्ष धीरेन्द्र राणा ने कहा कि 40 दिनों से हम सब धरने पर बैठे हैं, अब जाकर क्षेत्र की अहम मांग पूरी हुई। चमोली जनपद के अंदर जिन क्षेत्रों सड़क का प्रस्ताव भी मैं आपका खड़ा हूं उन सड़कों को प्राथमिकता का लंबा है। आपने धोती धार की सड़क का 2 या 3 मिलियन सातवा फेज फर्स्ट फेज का हो जाएगा, मैं घोषणा कर रहा हूं। अब मैं राज्यसभा सांसद भी हो गया, मुख्यमंत्री आपके पास है और कुछ सरकार मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। मैं विश्वास में कह सकता हूं चमोली जनपद के दूर जगह से सड़कों से जुड़ेगा, हर सुविधाओं से जुड़ेगा। मैं यहाँ के जिला प्रशासन का भी आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो आज यहाँ पे इस 34वें दिन पे नौली धोतीधार मोटर मार्ग संघर्ष समिति की तरफ से सभी जितने भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्रीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और जितने भी यहाँ पे हमारे पत्रकार बंधु हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद है कि आपने इस एक सूत्रीय मांग में हमारा भरपूर सहयोग दिया। और आज यहाँ पे हमारे राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी आए हुए थे तो उन्होंने आज यहाँ पे कल जो कि गोपेश्वर में घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा और महेंद्र भट्ट जी के द्वारा की गई तो उसके एवज में आज हमने यहाँ पे इस 34वें दिन पे इस कार्मिक अनशन का को समाप्त करने का फैसला लिया है। और हमारा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम करती है कि इस बार पहली बार पोखरी क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि राजनीति से हट करके सब लोगों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो, चाहे महिला मंगल दल हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि, सब ने बढ़ चढ़ कर इस एक सूत्रीय मांग के लिए लड़े हैं और इस मांग पर कार्य किया है और तब जा करके ये आज ये मांग हमारी पूरी हो पाई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। SC/ST एक्ट के एक मामले में पौड़ी जेल में बंद पत्रकार आशुतोष नेगी को जिला जज पौड़ी ने बुधवार को जमानत दे दी। आशुतोष नेगी के वकील ने बताया कि गुण दोष के आधार पर कोर्ट ने आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। 5 मार्च को पौड़ी पुलिस ने SC/ST एक्ट के एक मामले में आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। आशुतोष नेगी जो SC/ST में जो मुकदमा हुआ था वो 2022 में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था वादी ने और फिर उसी प्रार्थना पत्र में 2024 में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें दो लोगों के नाम लिखाए थे, उसमें 4 नंबर और
दोनों के कथनों में बहुत अंतर था। माननीय जिला जज श्रीमान अजय चौधरी द्वारा गुण दोष के आधार पर हमारी बातों को सुन करके गुण दोष के आधार पर आशुतोष को जमानत दी गई। बाकी जो आगे की जो कार्रवाई होगी एविडेंस। कांग्रेस ने अल्मोड़ा लोकसभा से फिर प्रदीप टम्टा को अपना प्रत्याशी बनाया है। पहली बार अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। टम्टा ने हाईकमान को प्रत्याशी बनाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों से क्षेत्र में कोई बेहतर काम नहीं किया है। प्रदीप टम्टा ने दावा किया कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 सीटें जीतेगी। देखा, बदलाव का समय है। आप देख रहे हैं सारे कार्यकर्ताओं में पूरे बदलाव की यह लहर सिर्फ यहीं हमारी देवभूमि अल्मोड़ा में नहीं है, पूरे देश में है। चाहे हमारे सांसद हों 10 साल की या दिल्ली की में बैठे हुए प्रधानमंत्री हों। कहाँ गया वो रोजगार जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ की बात करते हैं, जो प्रतिवर्ष कहते थे हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, जो किसानी की आय को दुगनी 2022 तक कहते थे, तो तमाम आवासहीन लोगों को 2022 तक आवास दिलाने की बात करते थे, जो महंगाई पर लगाम लेने की बात करते थे, जो कहते थे टनकपुर से बागेश्वर का रेल का संपर्क भी कुमाऊं का पूर्ण होगा, जो चौकुटिया से रामनगर जो टनकपुर से कर्ण हमारी जौल जी भी, ये यूपीए सरकार की देन थी। और ये धरती है अल्मोड़ा की धरती, मेरे सामने हमारे चेयरमैन साहब भी खड़े हैं, वो इतिहास के गवाह हैं। इसी धरती से इंदिरा जी ने इस देश में पहली बार पर्वती योजना आयोग में प्रगति सेल की स्थापना की थी और वही एक बार पूरे देश में हिमालय राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की शुरुआत यहाँ से हुई थी। मोदी सरकार ने हमको कुछ दिया नहीं, हमारा विशेष राज्य का दर्जा हमसे छीन लिया, हमसे ग्रीन बोनस की जो मनमोहन सिंह सरकार ने स्वीकृति थी वो बीके चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, और सबसे बड़ी वो जो विरासत थी सैन्य परंपरा कुमाऊं रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट जो हमारी परंपरा थी उसको इन्होंने अग्निपद के द्वारा भारत की सेना को कमज़ोर किया और उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों के रोजगार पर नौजवानों के रोजगार पर चोट मारी। आज ये सवाल बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की शुरुआत होते ही पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। नैनीताल लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के नाम की घोषणा होने के बाद उन्होंने भीमताल में आज अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि हम विकास कार्यों के नाम पर जनता के बीच जाएंगे और जो लोग चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें और वोट जरूर डालें। देखिए, लगभग 1.5 लाख करोड़ के जो कार्य केंद्र सरकार ने दिए हैं वो इस समय चल रहे हैं उत्तराखंड में, जिसमें भीमताल विधानसभा के अंतर्गत बहुत जबरदस्त काम इस समय चल रहा है। अगर मैं भीमताल की ही बात करूं तो नगर पंचायत हमने बनाई और यही की बात करें केंद्रीय विद्यालय हमारा बन रहा है। ये जो सड़कें हैं जो ऊपर वाली हैं टाइल्स वाली आपने देखा, इसके लिए अलग से पैसा आया है। सब जगह आप देख, हर जगह विकास की नदियां बह रही हैं। अगर बहिष्कार करता हूं तो हमको लोकतंत्र प्रदत्त अधिकार है, इतना बड़ा है, मत दीजिए वोट हमें, किसी और को दे दीजिए, लेकिन दिए तो सही किसी को तो दो, लोकतंत्र तो तभी जिंदा रहेगा। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की तभी से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद मैं भी उत्साहित हूं। गणेश गोदियाल ने बताया कि हर एक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए संसाधन जुटाने की जुगत में लगे हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ हाईकमान तक ये बात पहुंचाई कि पौड़ी से लोकसभा का टिकट मुझे मिले, और साथ में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है मैं इस विश्वास के लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को, हमारे महान, हमारे
आदरणीय मतदाताओं को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पौड़ी गढ़वाल से मैंने जो चुनाव लड़ने की आप लोगों के भरोसे जो ठानी है उसका आधार ये रहेगा कि भविष्य में जब जब वहां का जनमानस मुझसे किसी बात पर उनके नेतृत्व को मजबूत करने के लिए उनकी उनकी बात को संसद तक पहुंचाने के लिए और उनके जीवन में आए प्रश्नों को हल करने का जब जब मुझ पर उनका अपेक्षा उनकी मुझसे होगी मैं उनकी अपेक्षा पर हमेशा खरे उतरने का प्रयास करूंगा कोशिश करूंगा और मन कर्म और वचन से उनके तमाम मसलों को हल करने का मैं उस पर मेहनत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं। 2021 में राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए थे। एस एस संधू की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से समान नागरिक संहिता को लेकर मंथन चल रहा था। इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शबून कासमी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे देश में एक मिसाल पेश की है क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने समान नागरिक संहिता को पास किया है। ये कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, इसमें सभी धर्मों को बराबर की तवज्जो दी गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में कुछ नहीं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आज देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और देवभूमि के तमाम बाशिंदे और खास तौर से जो हमारे सरकार का अंग हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐसी पहल की है कि जिसका अनुसरण पूरा देश करेगा और अपना राज्य उत्तराखंड देवभूमि एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित होगा कि जो पूरे देश के अंदर एकता राष्ट्रीय अखंडता और सिमिलिटी लेकर के आएगा। यूसीसी पर आज राष्ट्रपति महोदया का मोहर लगाना ये एक ऐसा ऐतिहासिक एक पल है, ऐतिहासिक दिन है कि इस दिन को इतिहास में याद रखा जाएगा क्योंकि यूसीसी आने से हमारे अंदर सिमिलिटी आएगी, भाईचारा आएगा, महिलाओं का उत्पीड़न रुकेगा और तमाम महिलाओं को सम्मान मिलेगा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता हमारी मजबूत होगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना ही इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ है। इसमें कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिसका इस्लाम से कहीं टकराव हो, इसलिए कि बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं था, तीन तलाक इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं था जिसे लोगों ने अन्यायपूर्ण। उत्तराखंड में 13 जिलों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 5 फरवरी को विधानसभा में रैली के माध्यम से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। साथ ही 16 फरवरी को हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने सरकार से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन से हैं और मैं रेखा नेगी, हम लोग 25 दिन से लगातार कार्य बहिष्कार पे, पूरा प्रदेश हमारा धरने पे बैठा हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपने 18,000 रुपए मानदेय की बात करते हैं कि हमारे 600 रुपए की दिहाड़ी के हिसाब से आप 18,000 रुपए कर दीजिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागीय अधिकारियों के साथ हमारी मुलाकात हो गई है, उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हमारा जो एक कार्य समिति बना दी जाएगी और एक पत्राचार के माध्यम से मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा इनको मिला है कि उसमें उन्होंने कमेटी बना, लेकिन उस कमेटी का कौन अध्यक्ष है कौन सचिव है इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, ये केवल हवाई बातें हो रही है। और हमारे महिला कल्याण कोष उसकी बात मैं करती हूँ कि हमें महिला कल्याण कोष पैसा हमें 10 लाख रुपए रिटायरमेंट पे दिया जाए, हमारी बहनों के अंदर सीनियरिटी लाई जाए, हमारे जो गोल्ड हम लोग कोरोना वायरस भी है, हम काम किया, हम लोगों ने लगातार करते आते हैं। हमारा जो आयुष्मान कार्ड है
या तो उसकी लिमिट बढ़ा दी जाए या तो हमें गोल्डन कार्ड बड़ा इशू किया जाए हम लोगों को सरकार की तरफ से, क्योंकि हम सरकारी कामों को जो योजनाएं होती है उनको धरातल पे उतारते हैं, लगातार धरातल पे काम करते हैं। आज मुख्यमंत्री हम लोग लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है, हमारी लास्ट उम्मीद है आज भी कि मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ हमारे अच्छा करेंगे। इतनी बहनें अगर खुशी खुशी जाती हैं तो मुख्यमंत्री समझ सकते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आएगा, उनको मिलेगा, और अगर इतनी बहनें दुखी होकर जाती हैं तो उनका रिजल्ट भी मुख्यमंत्री जी को झेलना पड़ेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।